छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होना है, ऐसे में टिकट की दावेदारों को लेकर सियासी उठापटक भी उफान पर है। तमाम कवायदों के बीच कांग्रेस के कई सिटिंग विधायक टेंशन में दिख रहे हैं, उन्हें अपनों का ही गम खाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? एक रिपोर्ट। जी हां, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए दरअसल यही गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानी विपक्षी नेताओं ने नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के दिग्गजों ने बढ़ा दी है। जहां कांग्रेस को बम्पर वोटों से जीत मिली, वहां भी अब कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों और नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है, जिससे कांग्रेस के विधायक अपनों की चुनौतियों से घिरे दिख रहे हैं। महासमुंद में प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला की दावेदारी हो, या रायपुर उत्तर में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा से लेकर पंकज मिश्रा की, धरसीवा में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धव वर्मा की दावेदारी हो, या कसडोल में विमल साहू की, ऐसे कई दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई वॉल राइटिंग करा रहा है तो कोई अपने समाज के जरिए दावेदारी पुख्ता करने की कोशिश में जुटा है। देखिए, दावेदारी नहीं होती, पार्टी का छोटा सा समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सेवा करता हूँ, और एकमात्र लक्ष्य है कि महासमुंद जिले में, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष रहा, बहुत मेहनत की थी, भूपेश भैया प्रदेश अध्यक्ष थे, हम चारों सीट भारतीय जनता पार्टी से जीत के कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाब हुए थे, और इस बार भी लक्ष्य ये है कि महासमुंद जिले की चारों सीट हम जीत कर कांग्रेस की झोली में डालें, और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके निर्देश का पालन अक्षरशः हम करेंगे, पर लक्ष्य यही है कि कांग्रेस का विधायक महासमुंद से जीत कर आएगा। देखिए, चुनाव में टिकट देने के लिए हमारे एक सिस्टम बना हुआ है, हम निचले स्तर पे आवेदन मंगाते हैं, उन आवेदनों का जिला स्तर पे स्क्रूटनी होती है, जिला स्तर के बाद में वे आवेदन प्रदेश की जो चुनाव समिति होती है उसके पास आता है, वहाँ पे चुनाव समिति में हमारे वरिष्ठ नेता रहते हैं, उसके विचार विमर्श करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाता है। अब जहाँ तक दावेदारी का सवाल है, निश्चित तौर पर हम डेमोक्रेटिक दल हैं और हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार अपनी दावेदारी करें, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। हमारे पास योग्य उम्मीदवारों की बहुलता है, उन बहुलता में से सर्वोत्तम का चयन करना पार्टी नेतृत्व का काम रहता है। प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के 71 सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन 30 से 35 ऐसे स्थान है जहां पर सिटिंग एमएलए के होते हुए भी कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं, इसकी वानगी जो है वो इस तस्वीर से देखने मिलती है। कसडोल विधानसभा से विमल साहू ने दावेदारी की हुई, और राजीव भवन के सामने का ये नजारा है जहां पर वॉल राइडिंग भी कराई। इसी तरह से एक दूसरी वॉल राइडिंग जो है वो पंकज मिश्रा की, रायपुर उत्तर विधानसभा से। ऐसे लगभग 30 से 35 विधानसभा है जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की चिंता जो है वो विधायकों की दावेदारी ने बढ़ा दी है। इन विधायकों को अपनी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, नए चेहरे यहां पर टिकट पाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर खाने नए लोगों की दावेदारी ने हलचल जरूर तेज कर दी है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH News रायपुर।